like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers. Pass that 808, that dump shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed, I got scales on. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो रहने वाला बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज लगाने वाले अपन की बाइक के ऊपर ब्रेम्बो के लीवर्स, जो कि बहुत टाइम से वेट कर रहा था इनका। मैं पूरे 15 दिन बाद आए ऑर्डर करने के बाद ये। तो वैसे ये तमिलनाडु से है, इसलिए इनको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। तो आप देख ही सकते हो ऐसे ही इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, पता नहीं बाइक पर लगने के बाद कितना अच्छे लगे ये। वैसे ये पेयर है दोनों का, ये सिलेंडर वगैरह, वैसे ये ब्रेक होना चाहिए प्रॉब्ली। तो ये रहा लीवर्स का बॉक्स, जिसकी पूरी तरह से कुरियर वालों ने बैंड बजाती है, सब तरफ से फट गया है ये। तो वैसे ये बहुत अच्छी कंडीशन में था, मैं एक बार फोटो आ गया था जब उन्होंने भेजा था ये कुरियर में, पर आते आते इसकी पूरी तरह से बैंड बज चुकी है। तो बॉक्स के अंदर क्या क्या वो बताता हूँ आपको मैं। मास्टर सिलेंडर जैसे मैंने बताया था, ये ब्रेक हो गया, ब्रेक लीवर, ये क्लच लीवर, और साथ में इन्होंने फिटिंग्स के लिए ये कुछ एलेंकिस दिए और क्लैंप वगैरह है जिसके ऊपर ये माउंट होगा अपना सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर। क्लच रहने वाला नॉर्मल, ये कोई हाइड्रोलिक नहीं है। हाइड्रोलिक वाला भी आ रहा था पर वो बहुत ज़्यादा महंगा था, इसलिए मैंने मंगाया नहीं। अभी नॉर्मल क्लच ही मंगवाया, और जो ब्रेक है वो हाइड्रोलिक रहेगा अपना। तो ये ऐसी चीज़ है जिसको मैं खुद इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ, सब सामान जितना ही मैंने लगाया बाइक के ऊपर खुद से लगाया, पर ये चीज़ मैं किसी अच्छे मैकेनिक से लगाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये सब चीज़ें मैंने की नहीं, इसलिए मुझे आइडिया नहीं, और मैं नहीं चाहता कि इन चीज़ों को मैं खराब करूँ, इसलिए मैं किसी अच्छे से मैकेनिक के पास ही बाइक का काम करवाने वाला हूँ। तो चलते हैं मैकेनिक के पास और इसको अपनी बाइक पे लगाते हैं और देखते हैं परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है नहीं होता, क्योंकि क्लच तो वैसे ही रहने वाला, क्लच तो नॉर्मल है इसलिए, पर ब्रेक हाइड्रोलिक है, शायद परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। तो जो भी हो देखते हैं, लगाने के बाद ही पता चलेगा, फिर बताता हूँ आपको मैं कैसा रहता है इसका एक्सपीरियंस। तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो मुझे ये कुछ अराउंड 1800 के मिल गए थे, जो कि काफ़ी अच्छी डील मिल गई मुझे, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे कुछ 2500 के वजह से सेल कर रहे हैं। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप मंगा सकते हो, इंस्टाग्राम पे पेज उनका एंजेलिक मोटो गियर, काफ़ी अच्छी प्राइस में दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके पास और भी चाहिए हो तो मैंने तो यही मंगाया अभी। वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, वैसे इंस्टाग्राम पे पेज है उनका, उस पे जाके ज़रूर विजिट करें, काफ़ी अच्छी डील मिल जाएगी आपको भी। तो चलते हैं किसी मैकेनिक के पास और फटाफट से इनको लगाते हैं और देखते हैं बाइक पे कैसा लगता है। आप देख लो बड़ी स्टेडियम में होता है। तो हम आ चुके हैं और पेट्रोल भरवा लिया हमने गाड़ी में, और अभी इसको ड्यूक को भी कहीं साइड में खड़ी करते हैं हम। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि आज कावड़ यात्रा है, और हम गाइस ड्यूक और आरएस की एक चीज़ और लगवाने का सोच रहे हैं। वहाँ पे रूम करके बताऊँ मेरा क्या चीज़ बताता हूँ। क्वालिटी तो पूछो ही मत, एक नंबर क्वालिटी है। ये क्या कहते हैं, ये भी एल्युमिनियम की है, ये जो पत्ती आपको दिख रही है ना, ये भी बहुत प्यारी क्वालिटी है, एकदम लाइट वेट है, और ये बहुत ज़्यादा मोटा भी। मैं अभी तुमको आरएस का भी दिखा रहा हूँ, ये इसकी साइज़ भी एकदम बिल्कुल ही पतली है, और ड्यूक के भी जो बहुत पतले हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ही मोटा है। तो ब्रेक लीवर तो लग चुका है, अभी वर्क कैसा कर रहा हो चलाने के बाद पता चलेगा। तो अभी लगा रहे हैं क्लच लीवर। ये फोन सब्सक्राइब किया जा रहा है चैनल, ये भैया कर दिया सब्सक्राइब चैनल, और बाकी का भी कर दे रहे जो भी यहाँ पे।
गाड़ी हो चुकी है रेडी और हम आ गए बांसवाड़ा की फेमस जगह कागदी पे, जहाँ पे ज्यादातर लोग आते हैं घूमने के लिए। तो हम तो घूमने के लिए नहीं आए, अभी यहाँ पे शांति रहती है, इस चक्कर में मैं लोग को एंड करने आ गया हूँ। यहाँ पे गाड़ी दिखा तो आपको कैसी लग रही, ब्रेम्बो लगने के बाद मिली ट्राई कर रहा है यहाँ पे अटेम्प्ट। टाइल से टाइल्स पे स्लिप हो जाएगी। तो ऐसे लग रहे अपने ब्रेम्बो और लुक्स तो डेफिनेटली इनसे बढ़ गया, बहुत अच्छा लुक आ रहा है। परफॉर्मेंस का पता नहीं, जब थोड़ा टाइम यूज़ करता हूँ उसके बाद ही में थोड़ा पता चलेगा। वैसे तो अभी कोई इतना मेजर डिफरेंस लग नहीं रहा, पहले वाले जैसे ही लग रहे हैं। जो क्लच है उसमें तो कोई फ़र्क पड़ना था भी नहीं, क्योंकि ये नॉर्मली क्लच है, हाइड्रोलिक होता तो इससे फ़र्क पड़ना था, वो बिल्कुल लाइट हो जाता हाइड्रोलिक होने के बाद। बाकी मेरा पर्पस यही था कि लुक्स बढ़ाने थे गाड़ी के, तो लुक्स बढ़ाने का काम तो ये बिल्कुल अच्छा से कर रहा है। तो इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दे दूंगा प्रोबेबली, देखता हूँ इसका क्या एक्सपीरियंस रहता है मेरा इसके साथ, ब्रेम्बोस के साथ में। और अगर लुक्स के लिए लगा रहे हो आप तो बिल्कुल लगा लो इसको, क्योंकि लुक्स तो डेफिनेटली बढ़ेंगे इससे। परफॉर्मेंस का जो कैसा है इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू कैसा रहता है वो मैं बाद में आपको दे दूंगा। तो अब कुछ और मॉडिफिकेशन है वो नेक्स्ट व्लॉग में आएंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और कैसी लग रही बाइक मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना आप, वीडियो को मैं लगा दूँ। लगा सकते हैं। तो जैसे कि RS मेरी फेवरेट बाइक है, तो इसमें ये ढक जाता है, इतने दिखते नहीं है अलग से, पर ड्यूक में लगाएंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आएगा, RS से भी ज़्यादा बेटर आएगा, क्योंकि उसमें गाड़ी में आगे फेयरिंग नहीं है तो ज़्यादा उसमें विजिबल होगा ये। एक चीज़ और मैंने अपडेट की थी बाइक में, आपको बता देता हूँ मैं। तो मैंने मैग्नेटिक टेल लाइट लगाई थी, प्रीवियस वीडियो में देख लिया होगा, तो इसके लिए मैंने लाइट भी लगा दी नंबर प्लेट के लिए। और एक ये ब्रेक लाइट बनाई है मैंने, जिसमें टर्न सिग्नल्स भी है और स्टॉप लाइट भी है। शायद एक बार चलाना इसको, अब राइट युग में भी हमने जैसी RS में लगाई थी सेम मैग्नेटिक टेल टाइडी उसमें भी लगा दी है, दोनों में हमने लगा दी एक जैसी टेल टाइडी, तो दोनों सेम सेम बाइक्स बना दी हमने। और हाँ एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर आप देखोगे इसके अंदर वायर नहीं ब्रेक्स के, अगर मैं ब्रेक मारता हूँ आगे के तो पीछे की लाइट चालू नहीं होगी, ब्रेक सिग्नल चालू नहीं होगा। ईशन करना एक बार, ये देखो ब्रेक मारने से भी काम नहीं करी, क्योंकि इसमें दे ही नहीं रखा, सिस्टम ही नहीं दे रखा, बस अब ये पीछे का जो ब्रेक है उससे ही लाइट चलेगी। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, मुझे मालूम नहीं था, बाकी यार ये चीज़ तो बहुत बुरी है इसके अंदर, पर कुछ नहीं पीछे की ब्रेक है तो उससे लाइट जल जाएगी, तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको RS की सीरीज पसंद आ रही होगी, और वीडियोस भी मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे RS से मोटिवेशन रिलेटेड, तो वो भी जाकर आप चेक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।